सो गाइस वी आर रनिंग नाउ। सो सुबह का टाइम देख सकते हैं आप लोग। सो 5:45 हो चुका है अभी। सो चलते हैं आगे की ओर। सो हम लोग बहुत दूर से आ गए हैं अभी, काफी लोगों के पास पहुंच गए। सो चलते हैं। सो दौड़ में बहुत मजा आ रहा है गाइस। सो गाइस वी आर एट नियर बाई काजलगांव। सो काजलगांव के करीब आ चुके। सो कुछ दूर बाद ही काजलगांव पहुंच रहे हैं हम लोग। सो फाइनली मामू आ गए इधर पे। सो देख सकते हैं पीछे की ओर, ये करीब इधर से 4 किलोमीटर दौड़ के आया, करीब 4 किलोमीटर नियर बाई। सो चलते हैं, मैं तो 2 किलोमीटर में रुक गया भाई। तो चलो चलते हैं। सो गाइस वी आर रनिंग एट कौन सा रोड पे, बेंगल रोड पे रनिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं एसएसबी गेम साइड में। गाइस फिलहाल तो हम लोग बहुत दूर मार्केट में पहुंच गए, तो मामू और तो और दूर चला गया, मैं यहीं पे रुक गया क्योंकि बहुत दिन से रनिंग किया हुआ नहीं था। तो मामू का मोबाइल वन प्लस जो कि है अभी मेरे हाथ में। सो चलते हैं आगे की ओर उसके पास, तो बहुत थक गए गाइस। सो चलते हैं मामू की उधर। सो गाइस आप लोगों को कुछ बोलते हैं, मतलब कि पुलिस के सामने यार मैं मोबाइल में वीडियो देखते देखते एक वीडियो देखा गाइस, जो कि कुछ लड़कियाँ बिना हेलमेट स्कूटी चला रहा था, तो पुलिस वाला बोलता है अरे गुड़िया बोली। गाइस अगर बेटी है तो गुड़िया, अगर बेटा है तो क्या गाइस, हम लोगों को क्यों ऐसा करके, मतलब कि पीछे वालों को तो और कितना छुंदर करके बोल रहा था। मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप कभी मिलने से शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। सो और पीछे वाले को तो पूरा अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन अगर लड़का कोई होता ना गाइस वही चलान कटता, गाड़ी सीज करता या फिर पीछे वाला को पीछे बहुत डंडे पड़ते गाइस। सो ये है हम लोग लड़कों की क्या बोले गाइस, बोल कुछ सकते भी नहीं। फिलहाल तो गाइस रोड अभी साफ है, पूरा साफ है, देख सकते हैं पूरा रोड पूरा खुला खुला है। तो आगे की ओर पैदल चल के जाना पड़ेगा मेरे को, मामू बहुत दूर पहुंच चुका होगा। तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं गाइस साइड में साइड का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है, और लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एसएसबी कैंप। तो गाइस देख सकते हैं भाई लोग पूरा मतलब सुबह सुबह निकल पूरा ही है भाई अपना बाइक लेके। सो हम भी निकलेंगे थोड़ा देर बाद, क्योंकि सुबह सुबह हुआ ना गाइस, क्योंकि सुबह सुबह बाइक चलाने में मज़ा भी आता है और उसे भी लुक्स भी बहुत अच्छा आता है, चारों तरफ पूरा ब्यूटीफुल लुक्स आता है, पूरा नेचुरल ब्यूटी सुबह सुबह देखने को मिलता है। और धूप के वजह से स्केटिंग ऑफ फ्लाइट डेस वाई हम लोग को उतना सुंदर नज़र नहीं दिखते। तो चलिए चलते हैं, मामू बहुत दूर जा चुका है भाई, काजलगांव की उधर जा चुका है। सो गाइस देख सकते हैं सुबह सुबह उठ के इधर का नज़ारा पूरा सुंदर, पूरा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है देख सकने को मिल रहा है आप लोगों को, देख सकते हैं पूरा नेचर ब्यूटी इस तरफ है। सो आगे की ओर दम्पर आ रहा है एक तो। सो देख सकते हैं पूरा मज़ेदार क्या ही सीन हो रखा है यार, देख सकते हो उस तरफ बियर फिल का आग जल रहा है उस तरफ। तो
क्या ही नज़ारा गाइस, क्या ही नज़ारा। सो केला का बगान देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, शायद बहुत सारा केला है इस बगान में, देख सकते हैं अभी नया नया केला का बगान हो रहा है। बस साइड में घर है, बहुत सारा घर है। सो चलते हैं कहाँ मिलता है देखते हैं, शायद मामू आ रहा हो और हाथ दौड़ के आ रहा होगा शायद, तो उधर अभी जाते हैं हम लोग। देख सकते हैं हम लोग अभी फिलहाल तो पौधोपुर फिर से घूम के आ गए हैं। सो बहुत ही थक गए हम लोग। सो देख सकते हैं, तो चलिए चलते हैं। बस देख सकते हो साइड में ये है SSB कैंप। सो SSB कैंप के हम लोग करीब पूरा पहुंच गए हैं। सो देख सकते हैं पूरा मज़ेदार भी हो रहा है गाइस, पूरा मज़ेदार एकदम पूरा। आप लोग सोच नहीं सकते कितना मज़ेदार, उतना मैं आप लोगों को कैमरा में नहीं दिखा पा रहा हूँ, फिर भी बहुत ही नेचुरल ब्यूटी आ रहा है गाइस चारों तरफ से। सीरियो की आवाज़ देख सकते हैं, ये है गाँव गाइस, एकदम सबसे साफ सुथरा गाँव गाइस। सो गाइस आप लोग कुछ सोच नहीं सकते हो गाइस, देख सकते हो इधर क्या है गाइस, ये क्या है। सो ये है हम लोग का माता रानी काली माँ का मंदिर। पहले यहाँ पे मंदिर हुआ कर नहीं करता था, अभी बहुत दिन बाद यहाँ पे मंदिर हुआ। सो मंदिर तो मंदिर होता है गाइस, छोटा हो या बड़ा हो गाइस, भगवान तो भगवान होता है यार। सो जब मैं एक यूट्यूबर अच्छा सा बनूंगा तो इस मंदिर में एक कुछ ना कुछ डोनेट कर दूंगा यार, जब मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाऊंगा। इस मंदिर में बहुत अच्छा चीज़ चाहिए जो कि है नहीं इधर पे। सो जब यूट्यूबर बनूंगा तब ऑब्वियसली गाइस दे दूंगा, कुछ ना कुछ माँ के नाम पे दे दूंगा यार मंदिर। और मंदिर भी इतना अच्छे से अभी बना नहीं, मतलब कि मिट्टी का ही है। सो लेट्स बिगिन टू आवर वीडियो। सो गाइस हे वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं हमको कुछ खुद को नहीं पता क्या करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे की ओर, मिनट चलते चलते घूमते हैं बस। आर्मी का बात है ना गाइस, मामू तो बहुत दौड़ चुके हैं, बहुत दौड़ लेते भाई ये, मतलब कि रनिंग में गया था इसका वो था रन था फिजिकल टेस्ट था। सो उसमें दौड़ के बस भाई एक रन ही नहीं मरा, 2 मिनट बाकी था बस इसको एक रन मरना था, ये मारा ही नहीं, इसके वजह से ये फेल हो गया इंटरव्यू में। सो गाइस इधर पे अभी सनसेट हो रहा है गाइस, कितना ही सुंदर है गाइस, बहुत ही सुंदर है गाइस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कमाल गाइस। अभी सनराइज हो रहा है गाइस, देख सकते हैं क्या ही नज़ारा है गाइस। हम लोग का आसाम है यार, ये आसाम है और ये असम का सिरांग है गाइस, बोंगाईगांव के सामने यार। याओ अरे यार, हमको एम सिस्टम है नहीं गाइस, आवाज़ सुन सकते हो यार यहाँ पे SSB का मास पास हो रहा है यार, या फिर कुछ और हो रहा है गाइस। सो देख सकते सनराइज मामू हो रहा जो कि अभी आ रहा है इधर मेरे सामने ही आ रहा है। सो गाइस वी आर बैक टू कॉलोनी। सो हम लोग का सोसाइटी में पहुंच गए। सो मामू बुला रहा है तो दौड़ के चलते हैं। सो आज का ब्लॉग इतना, तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोको और आगे की ओर नेक्स्ट ब्लॉग आते रहेगा। कॉलोनी पहुंच गए तो आज का ब्लॉग इतना, देखिए ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट इसका जरिए ठोकना। तो चलते हैं घर, घर चलते हैं ना। आपको दौड़ के कैसे लगा पहले बताइए, ये सब थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए मामू, आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले। मुझे बहुत, मतलब क्या बोलूँ मैं, थकान महसूस हो रहा है मेरे को बहुत। वैसे भी आप आज कितना मीटर, मतलब किलोमीटर रनिंग किए हो आप? 8 किलोमीटर। तो देख सकते हैं गाइस हम लोग का श्रीरंग का बंदा 8 किलोमीटर दौड़ सकते हैं गाइस अभी बिना रुके भाई। मैं तो 4 किलोमीटर में ही रुक गया, तो मेरे से 2 डबल किया। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा। सो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मतलब कि आप लोगों को क्या बोलूँ, आज का और एक ब्लॉग आने वाला है शाम को जो कि होगा मोटो ब्लॉग। सो
थैंक यू टाटा बाय बाय।